राम मंदिर के बड़े ही अच्छे अगुआ रहे हैं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डे बाय डे हियरिंग होगी, आपके नेता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा चुनावी एजेंडा नहीं, मुद्दा नहीं है, तो क्या इस देश के उत्तर प्रदेश के लोगों को आप किस तरह से इस विरोधाभासी बयानों से जूझना पड़ रहा है? ये सच आप बताइए कि नहीं, आप ये सच बताइए कि क्या वाकई ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में होगा या नहीं होगा, ये दोनों बातें साफ होनी चाहिए। इस चुनाव में राम जन्मभूमि मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है राम मंदिर मुद्दा नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मुद्दा नहीं है, चुनाव से पहले भी दंगा मुद्दा था और मुद्दे में उत्तर प्रदेश में दंगा कराना ही मुद्दा है। मैं आप लोगों की बातों को ही फिर थोड़ा नए तरीके से रखना चाह रहा हूं और थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा हूं इस पूरे हाउस को। राम मंदिर का आंदोलन, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारी बातें बीजेपी का मुख्य मुद्दा रहता है। उसका कब उपयोग और उसकी रचना और संरचना और पुनर्रचना करनी है वो कन्वीनियंस से होता है, अभी तक हम लोगों ने यही देखा है। पीडीपी एंटी नेशनल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जब पीडीपी से मिलकर सरकार बनाना था कश्मीर में तो राष्ट्रवादी पार्टी हो गई। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर अब मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। और डीन मोनेटाइजेशन के बाद पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है इस समय। विनय जी के बारे में हम लोग जो लोग पुराने हैं जानते हैं, राम मंदिर का आंदोलन, इस बात को अतुल भाई सब भी मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश में अगर राम मंदिर का आंदोलन, बजरंग दल किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है तो विनय कटियार हैं और दूसरे आदरणीय अशोक सिंघल जी थे। अशोक सिंघल जी नहीं हैं हम सबके बीच में, विनय जी अभी हैं। वह विनय कटियार जो कि उस समय अयोध्या में आंदोलन चला रहे थे पूरे देश में, जबकि कोई मानता भी नहीं था कि कभी बीजेपी की सरकार भी बनेगी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार जब बनी तब तब मैं पूरे अदब के साथ कह सकता हूँ, शायद विनय जी इसका खंडन भी करेंगे, कि विनय कटियार अनटचेबल रहे। उन लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिनका कि कभी दूर दूर तक आपकी विचारधारा से, आपकी नीतियों से, आपके उस फिलॉसफी से लेना देना नहीं था। और आप जैसे लोग, हम फिर माफ़ी के साथ कहना चाह रहे हैं कि या तो आपको हाशिए पर लाने की कोशिश हो रही है, आने तो शायद किसी खास वजह के लिए रखा गया है, खास मौके के लिए, कि फिर उस तरह का मौका आएगा तो हम विनय जी को आगे लेके जाएंगे। इस पर आप थोड़ा बताएंगे क्या? नहीं, ऐसा खोल के ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी जब बढ़ती है तो नए चेहरे भी बढ़ते हैं, स्वाभाविक है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे नए चेहरे आ गए हैं। और इस बात से हम सहमत हैं आपकी कि नए लोग काफ़ी आए हैं, काफ़ी लोगों को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और वो काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे व्याप बढ़ता जाएगा तो पद भी सृजित होंगे, लोग और बढ़ेंगे। जहां तक हमारे आपने काम की बाकी बात कही है तो अभी हमारा परिवर्तन यात्रा में जो कार्यक्रम है लगा हुआ है, अभी मैं दौरा करके आया हूँ आजमगढ़ आदि उधर से होकर के, अभी मैं जा रहा हूँ हमीरपुर जा रहा हूँ, फिर अभी हाथरस जा रहा हूँ, अलीगढ़ जा रहा हूँ। अभी तक जो लोग थे उसमें लगाए गए थे उनके जनसभाओं में भीड़ नहीं आ रही थी तो फिर आपको लाया गया? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। आप कभी आइए, देखिए आकर के। चलिए, मैं हाथरस में हूँ, आप आइए, वहाँ स्वागत है आपका। हम सब गवाह हैं कि देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी और उस सरकार को इन दोनों लोगों ने मिल के बनवाया था और चलाया भी था। और देश को जो गिफ्ट मिला बीपी सिंह के जरिए वो डीमोनेटाइजेशन से कम नहीं था। जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकलने लगी तो बीपी सिंह जी को मंडल कमीशन की याद आ गई और इन दोनों लोगों ने बराबर मदद की थी बीपी सिंह को और उस सरकार को बनाने में।
तो अब क्या माना जाए? मुलायम सिंह अभी बोल के गए कि दीनदयाल जी में लोहिया जी में कोई अंतर नहीं है, और मुलायम सिंह जी ये भी कहते हैं कि वाम मोर्चा तो उनका नेचुरल एलाई है। तो क्या हम लोग मान लें कि फिर एक बार देश में यूनाइटेड फ्रंट जैसा कोई प्रयोग हो सकता है भविष्य में? कभी किसी को मुकम्मल यहाँ नहीं मिलता और कहीं ज़मीन और कहीं आसमान नहीं मिलता। ये वाम दल और ये, जब तक ये सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे हमारे मित्रवर, हमारा इनका एका नहीं हो सकता। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना बौद्धों का है, उतना जैनियों का है, उतना पारसियों का है। ये बात स्वीकार कर लेंगे, बात बन जाएगी। लेकिन धर्मांतरण, घर वापसी, लव जिहाद, मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, एक और लव जिहाद के लिए इशू दे रहा हूँ आपको। बहुत शीघ्र आप एक नई कहानी सुनेंगे देश के अंदर। हतप्रभ हो जाएंगे दो युवक और युवतियाँ विपरीत धर्म के शादी करने जा रहे हैं, उसको लव जिहाद मत कहिएगा। ये देश है, कब किसका मन लगा, कहाँ मन लगा, ये चलता रहता है देश के अंदर। हमारा ये कहना है भाई कि हमारा इस देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन आप कर रहे हो, तो डिमोनेटाइजेशन से किसको फायदा हो रहा है? आप ठीक है काला धन रोकिए ना, मैंने कहा ना कि महंगाई पर आप रोक लगा दो, काला धन रुक जाएगा। नहीं आप करोगे। पंजाब के अंदर 10 साल से जो ड्रग्स का माफिया चल रहा, कौन है इसका? अकाली दल के बादल जी का बेटा सुखबीर बादल का साला है ना, जिसे मंत्रिमंडल से निकाला गया, 2500 करोड़ रुपए का हर साल का ये जो है ड्रग्स का रैकेट है। मैं घूमता हूं पंजाब के गांव में, पेड़ के नीचे नौजवान उठ बैठे हुए सब ड्रग्स लेकर के 40, ये जो विल्स फिल्टर की सिगरेट की पन्नी है ना विदर मिश्रा जी, वासिन जी, ये 40 रुपए की बिकती है पंजाब में, क्योंकि इसके नीचे देसताई की तीली लगाने से आग नहीं लगती है, इसलिए इसके ऊपर ब्राउन शुगर रख करके लोग खींच रहे हैं। तो और कौन है सरकार, किसकी है विनय जी? आपकी मिली जुली सरकार है। पीडीपी की सरकार किसकी है? आपकी मिली जुली सरकार है। और आपके पंजाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर भी ड्रग्स का सवाल खड़ा हो गया। जितने लोग गंदे हैं राजनीति में, उन सबको निकालो भाई, इस देश को बचाओ। आज ये अब जंगे अवध है, इस जंगे अवध में बाशिन जी आप और आपके इंडिया 24/7 को बधाई देता हूँ कि जंग तो शुरू हुई है, लेकिन इस जंग को सिर्फ तलवारों में जंग लगाने का और बुझी हुई तलवारों में जो जंग लगी उसको निकालने से नहीं होगा। वैचारिक जंग को दूर करके जब तक आप दौलत का मुनसिफाना तकसीम नहीं करोगे, देश की दौलत का न्यायिक वितरण नहीं करोगे, न गरीबी हटा सकते हो, न काला धन हटा सकते हो, न कुछ। 1 और 10 का अंतर रख लो, 1 और 20 का अंतर रख लो, 1 और 40 का अंतर रख लो, 1 और 700 का अंतर रख लो, 1 और 1 करोड़ का अंतर रखोगे तो न तो आप सामाजिक समरसता पैदा कर पाओगे, ना आतंकवाद खत्म कर पाओगे, ना इस देश के अंदर हीरोइन बेचने वाले लोगों को आप रोक पाओगे। इतना मैं कह सकता हूं। मोदी जी वही तो करने की कोशिश वो कर रहा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। चोर से कहो चोरी करो और सांस से कहो जागते रहो, ये बात नहीं। अतुल जी का मन साफ है, अगर उतना ही मन साफ इनकी पार्टी का हो जाए तो कुछ कल्याण होने लग जाए। बहुत बहुत क्योंकि केरल के अंदर आपका मन साफ है मंदिर पर, इतना आपकी पार्टी का भी हो जाए तो ये मन ये मौतें ना हो, ये मौतें ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने और विनय जी ने जनता के सवालों के जवाब दिए, वासिन जी ने भी सवाल रखे।